السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رخيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء वतबी वरामबा मोहतरम नादरी कराम इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दीनी माओ और बहनों आज का ये दर्स दावे आफ सलफिया की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जन्नती औरत की सिफात उसके पहचान और उससे मुतालिक बहुत सारी बातें इंशाला अजीज इंदरूस के अंदर आपके सामने आएंगी मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों अल्लाह के दीन को सीखना समझना और अल्लाह रब्लम ने जो शरीयत, जो अहकाम जो जायज़ व नाजायज़ हलाल व हराम का कायदा इस शरीत के अंदर हमें और आपको दिया है ये अल्लाह ताला की बड़ी अजीम तरीन नेमत है और हमें Allah की इस नेमत को कदर करने की निगाह से देखना चाहिए अमली तौर पर हमें और आपको उस पर अमल पैरा होकर अल्लाह तजा अल्लाह बंदगी में अपने आप को लगाने की कोशिश करना चाहिए अल्लाह वल जलाल ने आयत करीमा में एक बड़ी प्यारी बात जिक्र की है कि ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है हैदा वो ख़लाका मिन हा जऊ जहा और उसी से उनकी बीवी को अल्लाह ताला ने पैदा किया उनका जोड़ा पैदा किया बदसामजालन कचीरा और फिर अल्लाह रब्लम ने हजरत आदम और हजरत हो जरिया से अल्लाह तहुत सारे मर्दों औरतों और को अल्लाह तला ने सरजमीन पर फैला दियातखी तसा नबीरह और तुम उस अल्लाह रब्लम से डरो जिसके जरिया तुम रिश्तों का हवाला दे करके रिश्तों का जिसके जरिया से तुम सवाल करते हो जिसे तुम मांगते हो अपने रिश्तों के इसकाम इस्त, के लिए इन अल्लाह अलैकुम रखीबा बेशक अल्लाह रब्बुल रब्लम तुम पर निगरा है रखीब है अलामा इकबाल ने कहा था वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग उसी की साज से है जिंदगी का सोज़े दरू यानी औरत इस सरजमीन की बड़ी खूबसूरत मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द की तस्कीन के लिए नस्ल इंसानी के क्याम उसके बका के लिए अल्लाह इज़्ज़त वल जलाल ने औरत की तख्लीक फरमाई और इसके जरिया से अल्लाह तबारक ने एक मर्द की तस्कीन का सामान मुहैया किया आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में सिंफ नाजुक का खातिन का औरतों का बड़ा अजीम मकाम और मरतबा है और दीन इस्लाम ने औरतों पर बड़े एहसानात किए हैं मजाहिब आलम में अगर आप देखें तो इस्लाम ही वो मजहब है जिसने औरतों को जिलत पस्ती से निकालकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सरबलंदी अता किया इज्जत और सरफराजी की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनायत फरमाई और वो मकाम और मर्तबा बख्शा जिसकी वो हकीकत में मुस्तहिक थे, अल्लाह रब्बुल रब्लम ने ख़ी के हकूक़ मुतन किए उनका दायरे अमल तय किया मर्दों पर उनके कई बहुत सारी जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल रब्जत ने डाली और उनकी फितरी जरूरतों को उन तकों को सामने रख करके अल्लाह ने अज़दवाजी जिंदगी का एक बेहतरीन निजाम मुतन फरमाया और इस हैसियत से अगर हम देखें तो औरत एक मां होने की हैसियत से उसके कदमों के नीचे जन्नत है एक बेटी होने की हैसियत से उस फैमिली उस घर उस खानदान के लिए सरापा रहमत है और एक बीवी हैसियत की हैसियत से अजदवाजी जिंदगी में एक मर्द के लिए सुकून और राहत का बाइस और इस जमीन इस दुनिया का सबसे कीमती मता है तो इसकी बुनियाद पर अगर हम देखें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने एक सफर में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के साथ एक काला कलूटा गुलाम युकाल लहू अंजशा जिसे अंजशा कहा जाता था वो औरतें ऊंटों पर सवार थी और वो हाक रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अंजशा रोवैदा का सौकन बिलकवारी ऐ रोवैदा ए, ए अंजशा तुम जो है इन सवारियों को नरमी से संभाल संभाल कर ले चिर चलो इस पर आप गीने सवार हैं शीशे शीशों का मामला यह है कि जब वो टूट जाते हैं तो वो जुड़ते नहीं हैं आप देखें अल्लामा रामा हरमजी राम ने कहा कन्ना अनिलसा इबिल खवारी अल्लाह के नबी सलात वो सलाम ने औरतों की तशबीह उनकी रिक्क़त उनकी नरमी उनकी वज़ाकता की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने आबगीने और शीशों से उनकी तशबीह दिया है उनके अंदर जो लता, लताफत है जो नज़ाकत है जो शफकत है जो नरमी है और अल्लाह के नबी ने तालीम दी कि इन पर ये औरतें सवार हैं, इन्हें अच्छी तरह से नरमी के साथ लेकर चलो और इसी तरीके से कहते हैं शब्ब विलकवारीर इन इनकलाब हिन्ना अन हिन्ना कहते हैं यह भी है कि औरतें किसी चीज को बहुत जल्दी किसी चीज पर राजी भी हो जाती हैं और किसी चीज पर बहुत जल्दी बेसब्री भी हो जाती हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद पर उन्हें कवारीर से इसलिए तशबीह दिया कि चूंकि कवारीर भी किसी तरह की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करता शीशा किसी तरह की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाता टूट जाता है और खातीन का मामला भी यही है कि वो इतना नाजुक अंदाम होती है कि वो जो है जरा सी सख्ती और तशद से टूट कर बिखर जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये तश्वीर बयान फरमाई उनकी लताफत शफकत एहतराम मुहबत नरमी और अपनाइत का अल्लाह के नबी वम ने दरस दिया है शोहरों को उनके सरपरस्तों को कि उनके साथ इसी तरह का बरता और उसी तरह का मामला करें एहतराम का अकीदत का मोहब्बत का जैसे आप गीने निगहदाश्त और निगरानी का जरूरतमंद होते हैं ऐसे ही खवतान भी निगरानी और निगहदाश्त का जरूरतमंद होती है अगर आप देखें दुनिया के देगर मजाहिब में खवातीन की जो हालत थी इस्लाम से पहले दुनिया में बेशतर अदियानो मजाहिब के अंदर समाजी हैसियत से औरतों की जो हालत थी वो बड़ी तश्वीसनाक और बड़ी तकलीफ दे थी खवातीन को किस निगाह से देखा जाता था और फिर जब इस्लाम आया तो उसने खवातीन के साथ किस तरह का इंसाफ और अदल पर मबनी एक निजाम मुतन किया अगर हम और आप बेगर मजाहिब की तारीख को देखें तो औरत के साथ कहीं हैवानों की तरह सलूक किया जाता था यूनान के अंदर औरत शैतान का दूसरा रूप मानी जाती थी यहूदियत में औरत को सरतापा गुनाह समझा जाता था गुनाह का मम्बा और मजदर माना जाता था कि सारी बुराइयों की जड़ औरत है और वो लानत का मुस्तक उसे करार दिया जाता था नहुसत की नजर से उसे देखते थे और इसी तरीके पर आप देखें रूमा वगैरह की तारीख को अगर पढ़ेंगे तो औरत एक मनकूला जायदाद की तरह थी जैसे जमीन और घर ये मुंतकिल हो जाते थे उनके वरासा में ऐसे एक आदमी के मरने के बाद औरतें भी उनके वरासा में मुंतकिल हो जाती थी उनकी अपनी जाति कोई ख्वाहिश कोई राय कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी और इस तरीके से उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था अरब जाहिली दौर के अंदर अगर आप देखें पूरी तारीख किताबो सुन्नत के अंदर इस्लामी तारीख के अंदर मौजूद है कुरान मजीद ने भी कई मकाम पर जिक्र किया है कि जब इस्लाम आया अरब में अरब की सरजमीन पर तो उसकी आमद से पहले खातिन का मामला बड़ा नाजुक था इस कदर आर समझा जाता था एक बच्ची की पैदाइश को कि उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था जमीन के अंदर कितने सहावे के राम इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह की नबी की खिदमत में रो रो कर उन्होंने अपने हाथों से दफन की गई बच्चियों के वाकयात को बयान किया जो संगदिली और पत्थर दिली का एक मजहर था इंसान तस्वूर नहीं कर सकता था कि एक आदमी अपनी बच्ची को अपने हाथों मिट्टी के अंदर दफन कर देता था और यहां तक पुराने मजीद ने खुद इसका जिक्र किया वो ईदल मऊदत सुलत बे दम बिन कुतिलत कि जब दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा बे दम बिन कुतिलत कि तुझे किस गुनाह की पादाश में कत्ल कर दिया गया था बच्ची से पूछा जाएगा यह सख्त तरीन वाइद है कि उस बच्ची ने गुनाह नहीं किया लेकिन उससे पूछा जाएगा उन मुजरिमों को उनके जुर्म के एहसास दिलाने के लिए अल्लाह रब्जत ने यह स्लूब तो अख्तियार किया है और इसी तरीके पर आप देखें कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि अरब के अंदर खातीन की हालत इतनी नागुप्ता बेती कि बिल बुशरा हद बिलउून सा जल्लाज मुसदम कदीम कि एक आदमी को एक शौहर को अगर पता चल जाता कि उसके घर बच्ची की विलादत हुई है तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता था अफसोस से और तवारा मिनल कौम वो अपनी कौम से मुंह छिपाए फिरता जिस चीज की उसे बशारत दी गई थी उस बच्ची के बारे में सोचता कि आया मैं जिल्लत के साथ उसको लेकर के जिंदगी बसर करूं उसके साथ अमय तुराब या मैं उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दूं अला सान कुरान मजीद ने बयान फरमाया तुम कितना बुरा फैसला करते हो अल्लाह इज़्ज़त यानी खुद एक मां से उसने जन्म लिया है लेकिन आप तस्वर देखें कि एक बच्ची को एक आदमी अपने जहन में तस्वूर पैदा कर लेता था कि उसको खिलाएगा पिलाएगा पालेगा बड़ा करेगा जवान करे होगी और फिर उसके बाद दूसरे को कि जउियत में देगा जिल्लतरार बर्दाश्त करेगा आप देखें कितनी बड़ी चीज है और आज भी समाज के अंदर माशरे के अंदर उसी घटिया और जलील जहनीत के तस्वूरात पाए जाते हैं आज भी कितने लोग हैं समाज के अंदर जो इसी जहनीत के परवरदा हैं कि अगर उनके घर बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो इंसान का चेहरा बिगड़ जाता है ख्यालात बदल जाते हैं तस्वुरात बदल जाते हैं जबकि बच्चियां ये रहमत है अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया मन आला जारियत जो आदमी दो बच्चियों की परवरिश करके उनकी शादी ब्याह कर देता है तो वह हुआ हा कदा वो मेरे साथ ऐसे ही जन्नत के अंदर होगा कुन्ना लहू सितरम मिनन्नार ये बच्चियां जहन्नम से आड़ और नजात का जरिया है तो इस बुनियाद पर इस्लाम ने जगह बद जगह खवातन को उस जिल्लत से उस आर से और उस नाइंसाफी से निकाल करके अल्लाह ताला ने उनकी बुजुर्गी उनकी हैसियत उनके मकाम उनके मरतबे उनके जवाब उनके हकूक अल्लाह रब्बुल रब्जत ने मुतन फरमाए और उनको समाज में वो दर्जा वो मकाम दिया एक बेटी की हैसियत से एक बीवी की हैसियत से एक माँ की हैसियत से इतना अजीम तरीन एक बहन की हैसियत से इतना अजीम तरीन दर्जा दिया कि दूसरे मजाहब का के अंदर तस्वूर नहीं किया जा सकता है या जितने लोग ढंढोरा पीटते हैं औरतों के बाज मामलात और शराइ मसाइल को लेकर के हकीकत में वो नादान लोग हैं और उनके रौ पर बहुत सारी तज पसंद अकलानियत पसंद औरतें भी फैशन जदा औरतें भी उसी रुख पर बह रही हैं उन्हें इस्लाम की उन हकीमाना तालीमत का इम नहीं है वो समझती और जानती नहीं है कि इस्लाम ने कितनी हिकमत कितनी गहराई और कितने वसी मफह में लेकर के खातान के हकूक को मुरतब किया है चाहे वो तलाक का मसला हो इद्दत का मसला हो मीरास का मसला हो खुला का मसला हो निकाह सानी निकाह सालिस का मसला हो जहां कहीं भी आप देखेंगे तो अल्लाह रबुल इज्जत वजलाल ने बड़ी हिकमतों और मसलहतों के साथ इस शरीयत और इस दीन के अंदर अहकाम को मरतब किए जिसे हमारी खवातिन को मौजूदा दौर में दूसरों के वावेले और दूसरों के दावों पर उस रुख पर बहने के बजाय अल्लाह के दीन में उसकी तालीम में उसकी शरीयत में अपने आप के लिए आफियत समझना चाहिए यह रहमत है अल्लाह का दीन और इस हैसियत से आइए मैं आपको दिखाऊं कि मगरिब ने औरत के साथ क्या सलूक किया आज अमेरिका, फ्रांस जापान यहां की औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न समझी जाती है लेकिन आप अगर गहराई से उनके फैमिली निजाम का उनकी घरेलू जिंदगियों का उनके जहनी तस्वुरात का जायजा लेंगे तो वो दीवाली अपन का शिकार है वो वो अजीम किस्म के रोग में का शिकार है सुकून नहीं है ज़िंदगियों में एक औरत मुसावात के नाम पर मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी करती है बाजारों का जीनत बनती है दुकानों और शॉपिंग में काम करती है मॉल में काम करती है फैक्ट्रियों में काम कर रही है आपसों में दूसरों की निगाहों की हवस का शिकार बनती है एयर होस्टेस बन रही है और तरक्की के नाम पर उसे बढ़ना करके खड़ा कर दिया गया उसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया गया आप अगर यूरोप की उस जिंदगी और उस निजाम को देखें और उसके सामने इस्लामी तालीमात को रखें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने औरत का असल महल असल जगह असल ठिकाना ये उसकी घर की चिहार दीवारी करार दिया और उस घर की चिहार दीवारी में उसे एक मलिका करार दिया उस घर की मलिका और माशी झमेलों से पूरी तरह से उसे निकालकर किफालत की जिम्मेदारी खाने कपड़े की जिम्मेदारी नानो नफका की जिम्मेदारी मस्कन और रहने सहने की जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी तालीम के अखराजात और देगर चीज जहां जहां भी माली तौर पर जरूरियात और तकाजे हैं अल्लाह ने मर्द के कंधे पर डाल दिया शादी नहीं हुई थी तो भाई और बाप के कंधे पर डाला और इस तौर पर औरत को ऐसी चीजों से बचा करके बड़ा आला तस्वूर इस्लाम ने दिया और उसके साथ भी अगर पर्दे के साथ दायरे में रह करके अगर औरत किसी बिजनेस को बढ़ावा देना चाह कोई वाकई तरक्की की कोई राह है उसके लिए तालीम के जरिया से बिजनेस के जरिया से मासी व इकतसादी इस्तेकाम के जरिया से तो इस्लाम मना नहीं करता इस्लाम ने औरत की खुद मिल्कित को तस्लीम किया है मिल्कित को तस्लीम किया है कि औरत अपने जात और इसी तरीके से महर में पाने वाली दौलत वरासत में पाने वाली दौलत का वो खुद मालिक है वो जहां चाहे उसको खर्च करने की कुत और सलाहियत रखती है इजाजत रखती है और इस तौर पर अगर आप देखें तो इस्लाम ने औरत को बड़ा ऊंचा मकाम दिया और यूरोपी तहजीब ने और खुद इस वक्त हमारे मुल्क की तहजीब हिंदुस्तान की तहजीब में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां रूनमा हुई हैं मशरकी तहजीब में जहां खवातीन को देवी का दर्जा दिया जाता था आप देखें खातीन के साथ उसी तौर पर मजालिम और देगर चीजों को भी रवा रखा गया है कई नाहीतों से उनके हकूक का इस्तेसाल किया गया है और आज वही यूरोपी कल्चर हमारे मुल्क के अंदर मशरकी तहजीब के अंदर बड़ी तेजी के साथ शराय हुई हैियत के नाम पर फवाशी के नाम पर बेहियाई के नाम पर हमारा जिसम हमारी मर्जी के नाम पर आप देख लें कि मशरकी खवीन के तस्वूर उनकी सोच मॉडर्नाइज तस्वूर कितनी तेजी के साथ तब्दील हुए हैं और ऐसे दौर में फितरों के इन हालात में जहां कदम कदम पर इस किस्म के फितने आम हैं कि एक मुसलमान औरत को अपने दामन को बचा लेना और इस तरह की चीजों से निकाल कर अल्लाह की तातो फरमा बरदारी में जिंदगी बसर कर लेना यह बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इनायत किया है आप देखें यूरोप का पूरा खानदानी निजाम ढह चुका है पूरा खानदानी निजाम ढह चुका है एक औरत बच्चे पैदा करने तक के लिए तैयार नहीं है और अगर वो बच्चे पैदा भी करती है तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए तैयार नहीं है पूरा यूरोपी कल्चर और यूरोपी तहजीब खानदानी निजाम को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है और आज मगरबी खातून ये फिर दोबारा उस असल की तरफ पलट रही है लौट रही है तजिया निगारों ने इस चीज को जिक्र किया है लिखा है कि बड़ी तेजी से वो अपने असल की तरफ वापस हो रही है और जो उसने उसके जरिया से जो समाज के अंदर तबाही आई वो दूसरी जगहों पर उसके असर तेजी के साथ हो रहे हैं तो इस तौर पर हमें और आपको गहराई के साथ समझना चाहिए मैं अपनी खातन से अपनी मां और बहनों से अपनी बेटियों से किताब सुन्नत के हवाले से ये बात कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल रबुल ने इस दीन के अंदर कुछ निजाम रखा है अल्लाह ने कुछ जबते रखे हैं कुछ कायदे और कानून रखे हैं आपको अल्लाह ताला के इस निजाम को तस्लीम करना चाहिए इस कायदे और जबते को खुले दिल के साथ एतराफ करना चाहिए सिंफी हैसियत से तखलीकी हैसियत से अल्लाह ताला ने मर्द और, और औरत के दरमियान फर्क रखा है अल्लाह ताला ने मर्दों को बाज वो सलाहियतें अता की हैं जो खातन के अंदर नहीं है और बहुत सी ऐसी सलाहियतें जो खातन में हैं मर्दों के अंदर नहीं है अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है दोनों को एक दूसरे के साथ इस तौर पर जोड़ दिया है कि जिंदगी का यह निजाम इन दोनों पहियों के ऊपर चल रहा है जैसे एक गाड़ी के अगर दो पहिए हैं और एक पहिया पंचर हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती हमारी जिंदगी का जो निजाम है उसका एक हिस्सा हमारी आबादी का एक हिस्सा औरत है और दूसरा हिस्सा मर्द है और मर्द और औरत ये गाड़ी के दो पहिए के मिसल हैं इसके बगैर समाजी निजाम समाजी धारा फैमिली लाइफ और कोई भी मुआशरा कोई भी समाज खड़ा नहीं हो सकता जहां मर्द की जरूरत औरत है वहीं औरत की जरूरत मर्द है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तखलीकी तौर पर कई तरह के फर्क को रखा है एक औरत जिस्मानी तौर पर मानवी तौर पर शर्यी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल ने यह फर्क बयान किया है और रोजे अव्वल से ताकयामत दुनिया में एक औरत कितना ही मॉडर्न बन जाए कितने ही अपने बालों को स्टाइल वाला बना ले लेकिन अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह के तखलीकी निज़ाम को बदल नहीं सकती है अल्लाह ने रखा ही ऐसे अल्लाह ने रखा है उसको ऐसे उसके अपने कुछ खसूसियात हैं और इसी बुनियाद पर हमें और आपको बिलखसूस हमारी खवतान को गहराई से अल्लाह के दीन की इन तालीमात को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए वह अनहू खलकूज दकर उनसा कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह आलमीन ने ही की वो जात है जिसने जोड़ा जोड़ा पैदा किया मर्द और, और औरत रिजाल कौामून निसा अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर क़व्वाम हाम और निगर बनाया है बीमा अलाबाज इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मर्द और, और औरत में से बाज को बाज पर फजीलत अता किया है वह बीमा अन फकू मिन अमालि और इस वजह से भी अल्लाह ताला ने मर्दों को फोकियत दी है कि वो अपने माल को अपनी गाढ़ी कमाई को ख़ीन के ऊपर खर्च करते हैं तो यह आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जाबता और एक कानून इस शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है जिस पर हमारा और बिलखसूस हमारी खवतान का ईमान होना चाहिए यकीन होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह का निज़ाम यही है और आप अगर गौर करें इबन कसीर रहम्ला ने जिक्र किया अरुजुल कईम अलमर आ व कबीरुहा कबीरहा वहािम अलहा व मुअद्दबुहा इदा आवज़त कि एक औरत का अल्लाह ने के लिए मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है निगरान बनाया है रईस और जिम्मेदार बनाया है और अल्लाह ताला ने औरत को उसके ताबे कर दिया है जिंदगी के हर दौर में और सारे एदवार में एक औरत बहन की हैसियत से बेटी की हैसियत से बीवी की हैसियत से वो किसी न किसी मर्द के ताबे अल्लाह रबुल इज्जत ने रखा है उसे इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह ने एक मजबूत कंधा एनायत किया है कि जो हर मोड़ पर हर वक्त वो उसका मुहाफिज उसका निगरान उसकी जरूरतों की पूरी रियायत करने वाला बना करके अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया है और ये कोई आर नहीं है आपके लिए या आपके लिए खातिन के लिए, लिए फख्र की चीज है फख्र की चीज है कि अल्लाह दबारक ने आपको इतना अजीम एजाज बख्शा है कि एक औरत जिंदगी के कई मोड़ पर कई मरहले पर मर्द का मोहताज होती है जरूरतमंद होती है और उसकी बुनियाद पर बड़ी हिकमत के साथ अल्लाह रब्बुल इजत ने पहले से ही वो निजाम कायम कर रखा है घर का एक फैमिली का जब वजूद होता है निकाह के जरिया से एक मिया और बीवी एक मर्द और, और औरत अजदाजी रिश्ते में बनते हैं वहां से एक फैमिली का आगाज होता है तो आप देखें कि इस्लाम उस घर को कैसे रहमत सुकून और राहत का जरिया बनाने की तालीम देता है घरेलू जिंदगी और अंदरून खाना जिम्मेदारियों को अल्लाह ताला औरत के कंधे पर डालता है हमारा दीन हमारा निज़ाम हमारी शरीयत खातून के कंधे पर डालकर घर की निगरानी उस औरत को देती है घर की जिम्मेदारी उस औरत को देती है और जितने घटे बढ़े चीजें मास वो सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर डालती है और इस तरीके से मर्द कौवात का अपना फरीजा अपनी जिम्मेदारी को पहचान कर अदा करता है और एक बीवी अपने कर्तव्य से अपने हुनर से अपने किरदार से अपने अखलाक से अपने घर को नमूने रहमत बना देती है और दोनों मिलकर के अपने बच्चों की तरबियत और तालीम और इस तरीके से एक बेहतरीन और सुनहरा घर और फैमिली जो है ये वजूद में आता है और जिस का निजाम उसकी बुनियाद अल्लाह की इबादत पर तकवा पर परहेजगारी पर, पर दीनदारी पर तो फिर जिंदगी का लुत्फ दोबारा हो जाता है एक औरत खुद नमाज पढ़ती है अपने शोहर को भी नमाज के लिए जगाती है क्या मंजर होता है एक शोहर हमेशा बाहर भी होता है अपनी बीवी की याद मोहब्बत ताल्लुक उसकी जरूरियात का ख्याल उसकी चाहतों का ख्याल उसके मशवरे उसकी देगर चीजों से अपनी फैमिली अपने घर की पूरी निगरानी पूरी रियायत करके और किस तरह से अल्लाह तबारक ने एक निजाम एक फैमिली का बनाया है इससे बेहतर तस्वूर दुनिया के किसी धर्म किसी मजहब किसी किसी और वाशरती ढांचे के अंदर नहीं पाया जा सकता नहीं पाया जा सकता यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ निजाम है हमें इस निजाम को कबूल करना चाहिए और समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक चीज़ को रखा है इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बहनों हमारी बेटियों को कितना अजीम तस्वूर दिया लौकुन तो मिरन अहदन अस जुदा ले अहद अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता लमर तुल मर आह अंत जुदा ले जव जिहा तो मैं एक औरत को हुक्म देता एक खातून को हुक्म देता कि वह अपने शौहर का सजदा करे ये सुनन अर तिरमजी की वन वन फाइव नाइन नंबर की हदीस है और हसन दर्जे की रिवायत है आप देखें कि इस हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने एक खाविंद के मातहत औरत को रख करके औरत की नजर में उसके शौहर का दर्जा और उसका मकाम उसकी हैसियत ये कितना अजीम है और किस आजमत के साथ एक औरत को यह तस्वर अपने जहन और दिमाग में राशि करके बैठाना चाहिए और पूरी अज्दवाजी जिंदगी की बुनियाद इसी एतात फर्मा बर्दारी की बुनियाद पर टिकी हुई है तो इस हैसियत से हम देखें कि अल्लाह तबारक ये जो निज़ाम रखा है इसमें बड़ी आफियत है ऐसे ही आप देखें कि अल्लाह के दीन में एक परहेजगार और नेक खातून को दुनिया की सबसे कीमती मता करार दिया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अ दुनिया मता दुनिया कुल लुहा मता वीरो मत ये दुनिया अलमरत सवाल कि दुनिया ये फायदा उठाने की जगह है फायदा उठाने की चीज है और इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मता जिससे इंसान फायदा उठाता है वो एक सवाल है औरत है नेक औरत है एक नेक और साल औरत एक इंसान की जिंदगी में क्या इनकलाबात और क्या तब्दीलियां लाती है यह मोमिना खातन की सीरत और उनकी जिंदगियों को पढ़ करके हम देख सकते समझ सकते अल्लाह के नबी सलाम ने इस हदीस में बहुत अजीम तरीन पैगाम दिया है खुवान को कि उन्हें खुद नेक सीरत बनने की कोशिश करना चाहिए वो सबसे कीमती जौहर एक औरत का यही है उसकी सादगी उसकी परहेजगारी उसका तकवा इज्जत आबरू की हिफाजत बदखलाकी से इज्तनाब बेहयाई और मुनकराज से अपने आप को बचा करके की तातो फर्मा बरदारी की राह ये एक औरत की सबसे कीमती मता है एक मर्द के लिए भी सबसे अहम तरीन चीज है लेकिन खसूसियत के साथ एक औरत, एक औरत, नेक औरत अल्लाह के नबी सलाम ने यह एजाज और यह मरतबा बख्शा है आप देखें रहे कुरान मजीद ने खुद इस चीज को जिक्र किया वो मिन हम यकूल और उनमें से कुछ लोग कहते हैं जो लोग हैं वो कहते हैं रबना आतिना फि दुनिया हसना वी हसन वकीना हम दुआ पढ़ते हैं बार बार लेकिन आप देखें आतना फिदुनिया हसन की तशरी और उसकी तफसीर करते हुए हजरत अली रद्ला की तफसीर इमाम कुरतबी रम्ला ने अपनी तफसीर के अंदर नकल किया है वो कहते हैं कि अन हसना फि दुनिया अलमर अतुल हसना कि यहां दुनिया की नेकी और खैरों भलाई से मुराद एक सवाल और नेक औरत है एक सवाले और नेक औरत से बढ़ करके दुनिया की कोई भलाई है ही नहीं और वही चीज अल्लाह ताला ने जो ये दुआ सिखलाई है इस दुआ की तशरीह में हजरत अली रजी अल्लाह अन्य चीज जिक्र किया वो व आखिर ईनी और आखरत के अंदर हसना से मुराद हुर है यह हजरत अली रजी अल्लाऊ की तफसीर है इमाम खुर्जी ने इसे जिक्र किया है और ऐसे ही अगर आप देखें अल्लामा मुंजरी और इसी तरीके से अल्लामा मुनावी रहमला ने जिक्र किया अल-जमीला अल जमीलाफीफा यानी एक औरत साल औरत जो पाक दामन हो फा खरुमा यकनिज ये सबसे कीमती खजाना है जो इंसान छिपा कर रखता है सोने और चांदी से बढ़ करके ये वो खजाना है जो इंसान के लिए हर मोड़ पर जिंदगी के हर हर मोड़ पर इंसान के लिए मुफीद और नफा बख्श होती है ऐसे तयम रहमतुल्लाह ने एक और बात जिक्र किया इसी हदीस की तशरीह में फैजुल अड़तालीस कहते वो वोद अल्लाह के नबी ने एक औरत की फजीलत का जिक्र करते हुए की शर्त लगाई है ईजानन बेअन्ना बेनाहा शरुलमता लम तक साल इस बात से खबरदार करते हुए कि अगर औरत साल नहीं है औरत मुत्तकिया और परहेजगार नहीं है तो वो इस जमीन की सबसे बदतरीन मता है वो इस जमीन की सबसे बदतरीन मता है सबसे बदतरीन शय है अगर जबान की अच्छी ना हो उसके अखलाक दुरुस्त ना हो उसके आमाल दुरुस्त ना हो उसमें इज्जत इफत और दामनी और अपनी आबरू की हिफाजत क्या जिम्मेदारी का तस्वुर ना हो तो आप देखें उलमाए शारहीन ने जिक्र किया कि इसका मफहूम मुख ये है कि ऐसी औरत सबसे बदतरीन औरत है जिसके अंदर सलाहियत तो और निकी ना हो तो ये हमारी ख़वात को बड़ी सराहत के साथ इन नसूस और दलाइल की रोशनी में इन बातों को समझने की ज़रूरत है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं हजरत सोबान रदी अल्लाहरा रबी हदीस है कहते हैं अफजलहू लिसानुन जाकिर सबसे अफजल तरीन शे जिक्र करने वाली जबान जो हर वक्त हर घड़ी अल्लाह ताला के जिक्र से अपनी जबान को तरकी रहती है आदमी की जबान एक औरत की जबान एक मर्द की जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में चलते फिरते उठते बैठते वह कलबुन शाकिर और सबसे बेहतरीन शय है कि इंसान शुक्रगुजार दिल दे दिया जाए जिस हालत में भी ये शुक्रगुजार है, है। अल्लाह ने जो भी रखा है शुक्रगुजार जो भी खाने को मिल गया पहनने को मिल गया अल्लाह का शुक्र कल्बन शाकिर शुक्रगुज़ार दिल बहुत बड़ी नेमत है वह मिनह तो आला ईमान ही और ये अल्लाह रबुल इजत की बड़ी अफजल तरीन चीज है कि एक मोमिना खातून ईमान वाली खातून जो अपने शोहर का उसके ईमान और ईमान के तकाजों को पूरा करने पर मुआविन बनती है अल्लाह एक औरत का बजाते खुद नेक होना एक अलग चीज है लेकिन एक औरत की सलाहियत और नेकी बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दायरे में अपने शौहर के ईमान की हिफाजत और अपने शौहर के ईमान पर वो मुआमिन बनती है उसकी नेकियों पर उसके अमाल पर उसके फराइज और हुकूक पर वो मुआमिन बनती है अल्लाह के नबी ने कहा कि वो सबसे अफजल तरीन चीज है जउजतम तो नाला ईमान ही आप देखें अबरहान मुबारकपुरी रम्ला ने तरमजी की शराह के अंदर तोहफतुल्ला में जिक्र किया कहते हैं ए अला दीन ही बेअन तो एक औरत अपने शौहर को नमाज के लिए तजीर करके नसीहत करके रोजे पर उसे आमादा करके और वह गई मिनल इबादात और अल्लाह ताला की दूसरी इबादतों के लिए अपने शौहर को मजबूर करती है नेकी पर तकवा पर सदका व खैरात पर नमाज पर रोजे पर जकात पर यह है उसका ईमान पर ताउन ईमान पर मदद और यह भी ईमान पर मदद है वह तमना व वो मुहर्रमात कि एक औरत अपने शौहर को हरामकारी से जिना से बदकारी से बेहियाई से एक औरत अपने शौहर को रोकती है रोकने का जरिया बनती है और अपने आप को इस तौर पर इस तरह का बर्ताव और मामला अपने शोहर के साथ रखती है कि शोहर को किसी गैर औरत की तरफ देखने का की जरूरत ही ना हो अब देखें ये इस हदीस की तशरीह में उलमा ने ये चीजें जिक्र किया है सिर्फ नेकी पर मुआवनत काफी नहीं है शौहर में अगर कमी है कोताही है बुराइयां हैं फसाद है उस पर भी एक औरत को हक है कि वो अपने शौहर को उससे रोके उसकी आकबत को बर्बाद ना होने दे उसे जहन्नम की राह पर ना जाने दे उसे जहन्नम की राह से निकाल कर जन्नत की राह पर ले जाए ये खातून का कितना अजीम और कितना वसी किरदार है जो अल्लाह के नबी अलैहि सलात व सलाम ने इस हदीस के अंदर पेश किया है और ऐसे ही आप देखें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रज़क़हुल्लाहु इमरातन सालिहा कि अल्लाह ताला जिसे एक नेक बीवी अता कर दे फू अला छतरे दीन ही तो गोया अल्लाह ने उसके दीन के आधे हिस्से को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया फलियत बाकी तो उसे चाहिए कि वो आधे हिस्से में अल्लाह से डरे आदम बका आप देखें यह हदीस जो है सही है तरगीब की वन नाइन वन सिक्स हसन लगे ही रिवायत है जो काबिल अमल है और सेहत के अतबार से यह हसन ले ही है अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह कहते हैं लिया आदम अलबलाफा फिद्दीन शहवत अल बतन व अल फर्ज कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश पेट की शहवत और शर्मगा की शहवत ये दो शहवतें हैं जो इंसान को राहें इतदाल से हटाती हैं पेट की शहावत और शर्मगाह की शहावत वह बिलमरा साल तहसल जिना और एक सवाल औरत के जरिया से अल्लाह तबार को तला एक आदमी के शहवतल फर्ज को पूरा कर देता है उसे जिनाकारी की जरूरत नहीं रह जाती और वह हुआ शत्रुलावल और ये दीन का हिस्सा है दीन का हिस्सा ये और इस तौर पर आदमी के शहवतल बतन यानी कमाई खाना पीना ये सारी चीजों की जो शहवत है तो अल्लाह ने उसके मामले में अल्लाह से डरने अल्लाह से डरे वो आदमी उसके मामले में लिखक मिला दयान तो हो ताकि उसका दीन मुकम्मल हो जाए उसका दिन मुकम्मल हो जाए ऐसे ही अगर आप देखें तो खाती ये किसी भी समाज और माशरा के लिए बहुत ही सुनहरा किरदार अदा करती हैं। नस्लों की तरबियत में बच्चों और औलाद को संभालने में जिंदगी का सही रुख देने में उनके अखलाक उनके दीन उनके ईमान उनके अमल की हिफाजत में मामूली किरदार नहीं है खातिन का बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप जहां कहीं भी हैं एक बीवी एक मां एक बेटी की हैसियत से आपको ये जिम्मेदारियां पहचानने की जरूरत है यही जिंदगी की असल है यही जिंदगी का हासिल है और क्या है जिंदगी के अंदर जिंदगी के अंदर बेग लटका करके मर्दों के साथ ट्रेनों में बसों में धक्के खाते हुए इनकी नजरों की हवस उनकी हवस उनके धक्के उनके मार ये कोई लाइफ कोई जिंदगी है बज़ाहिर देखने में बड़ी खुशनुमा लगती है कि औरत खुद कफील है कमा रही है पचीस पचास हजार लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है हकीकत इसके बरखिलाफ है जब एक औरत अपने चार दीवारी को फाड़ देती है और वो अपनी हदों को फांत कर निकलती है और दूसरे जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को मतहमिल बनाती है तो खुद उसकी अपनी जिंदगी का और सुकून गारत हो जाता है उसकी अपनी जिंदगी ऐसी बेचैनी की राह पर कितनी औरतें खुदकुशी कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं आप यूरोप का सर्वे उठाकर देख ले कि जब सामाजिक ताना बाना भी करता है तो फिर इंसान के सामने ख़ुदकुशी की राह आसान लगती है और हमारे नबी सलासलाम ने ख़वान को ये दर्जा ये मकाम और ये हैसियत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला एपिसोड जो तकमील के मरहले को पहुंचा और आगे इन शहुज़ीज़ दूसरे एपिसोड में दूसरे दर्स में एक जन्नती औरत की चंद बुनियादी पहचान अकाई दीमानियात शर्कियात और देगर चीज़ों से इज्तनाब के ज़रिया से कुछ बुनियादी सिफात को इनशा लजीज़ जिक्र करने की कोशिश की जाएगी अल्लाह से दुआ है कि दार आलम हम आपको सबको अल्लाह के दीन की कदर करने और अपने आप को अल्लाह के दिन अल्लाह की शरीय अल्लाह के निजाम से जोड़ कर ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह में तोफ़ी दे अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आख़रत की सदत मंदियों और भलाइयों को अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए अल्लाह रबालमीन हमारी ख़्वीन माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़ आबरू की हिफाज़त फरमाए और खूब बिलखसूसियत बिलखसूस उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों अपने मरतबे अपने हक़ और अपनी अजदवाज ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने के लाह में तो दे। देखुम वरहमल वबरकू